नमस्ते, मैं कृष्णा शांतिधाम लेस्टर के योगा सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे शरीर में तीन प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? जब हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ती है तो एक आयुर्वेदिक दोष है। पित्त बढ़ जाने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और एसिडिटी उत्पन्न होती है। तो एसिडिटी की समस्या को निकालने के लिए, आपको कोई भी समस्या अगर निकालनी है तो उसके जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी शरीर में एसिड उत्पन्न होना चाहिए, उससे अधिक मात्रा में अगर उत्पन्न होता है तो शरीर में एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होती है। तो उसके लक्षण क्या है? अगर आपके शरीर में एसिडिटी होती है तो उसके लक्षण आप जान सकते हैं, जैसे कि आपके चेस्ट पे, छाती में जलन होना, डकार आना, खाना बेस्वाद लगना, खट्टा और कड़वा लगना, भूख नहीं लगना, ज़्यादा मात्रा में खाने से वॉमिटिंग जैसा होना या खाना देखने से वॉमिटिंग जैसा होना, ये सब है, वो एसिडिटी के लक्षण हैं। इसके साथ हम योग में कुछ प्राणायाम और क्रियाएं करेंगे जिससे हमारे शरीर में पित्त दोष कम होता है और धीरे धीरे एसिडिटी कम होती जाती है। तो चलिए पहले योग से शुरू करेंगे, बाद में हम एसिडिटी के प्रिकॉशंस और कुछ होम रेमेडीज देखेंगे। तो पहले योग से शुरू करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी। पहले वायु मुद्रा बनाएंगे। तो वायु मुद्रा कैसे बनाएंगे? फर्स्ट उंगली, फर्स्ट फिंगर है, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और अंगूठे से फिंगर को प्रेस करना है। पहली उंगली को अंगूठे के मूल में रखना है और अंगूठे से प्रेस करना है। वैसे ही दूसरे हाथ से बनाएंगे। दोनों हाथ से वायु मुद्रा बना के नीस पर ऐसे रखेंगे। तो आज हम कुंभक लगाना सीखेंगे। कुंभक क्या होता है? कुंभक मतलब सांसों को रोकना, होल्ड करना। ब्रीथ को जब हम होल्ड करते हैं उसको कुंभक बोलते हैं, सांसों को रिटेन करना, होल्ड करना। तो कुंभक दो प्रकार के होते हैं, आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। कुंभक से सांस ना तो अंदर रहती है ना तो बाहर रहती है, जो स्थिति में वही स्थिर रहती है। कुंभक से जब कुंभक लगाते हैं तब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन और टॉक्सिन है उसकी जो आपले होती है वो अच्छी तरह से होती है और एयर का सर्कुलेशन जो होता है वो अच्छी तरह से होता है कुंभक के समय में। तो हम आज कुंभक लगाना सीखेंगे। पहले हम आंतर कुंभक करेंगे। उसके लिए वायु मुद्रा में वज्रासन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी। धीरे धीरे सांसों को पूरा भरना है, ब्रीथ को लेना है अंदर की तरफ। अंदर ब्रीथ जितना आप भर सके उतना भरना है और फिर ब्रीथ को होल्ड करना है, सांसों को होल्ड करना है, रोक के रखना है। ये आंतर कुंभक हुआ। तो पहले हम करेंगे आँख बंद, कमर गर्दन सीधी। धीरे धीरे पूरा डीप ब्रीथ करेंगे। ब्रीद इन, यहाँ पे हम सांस को 5 काउंट्स रोक के रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ब्रीद आउट, एक्सेल। पूरा सांस बाहर निकाल के यहाँ पे 5 काउंट रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अभी इनहेल करेंगे नॉर्मल, एक्सेल करेंगे। रिलैक्स। ये हमने एक बार आंतर कुंभक किया, एक बार बाह्य कुंभक किया। वापस एक बार देखेंगे, इनहेल करके अंदर सांस को रोकेंगे, 5 काउंट्स होल्ड करेंगे, फिर सांस को बाहर निकाल के बाह्य कुंभक करेंगे। पूरा निकाल के सांस को वापस लेना नहीं है, उधर ही 5 काउंट होल्ड करना है। ये आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। और एक बार देखेंगे, इनहेल, कुंभक, 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल,
कुंभक होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, नॉर्मल सांस लेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, रिलैक्स। ऐसे आप 4, 5, 10 राउंड कर सकते हैं और कुंभक में आप 5 सेकेंड से लेके 5 मिनट्स तक जितनी आपकी कैपेसिटी है धीरे धीरे अभ्यास से आप 5 मिनट्स तक 10 मिनट्स तक भी रुक सकते हैं, लेकिन पूरे अभ्यास के बाद ही ये करना है। अभी हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने के लिए आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं और सुखासन या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, तो हम अभी सुखासन में बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ की वायु मुद्रा ही रखनी है, दोनों हाथ वायु मुद्रा में, आंख बंद। अभी मैं आपको 30-30 काउंटिंग के 2 राउंड बताऊंगी। कपालभाति 3 तरह से की जा सकती है, धीमी, मध्यम और तेज। जिसको एसिडिटी है, हाइपरटेंशन है, हाई एसिडिटी है या कोई पेट की बीमारी है, उनको कपालभाति एकदम धीमी गति से ही करनी है। तो आज मैं आपको 30-30 काउंट्स के 2 राउंड बताऊंगी। तो पहले हम शुरू करेंगे, वायु मुद्रा में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज। शुरू करेंगे, पहले इनहेल करेंगे, धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। आप अगर काउंटिंग पे नहीं जाते हैं तो आप अलार्म लगा के 1-2 मिनट का ऐसे भी बैठ सकते हैं। खाली आपको ब्रीथ पे फोकस करना है और जब अलार्म अपने आप बजेगा तो आप 2 मिनट ऐसे, लेकिन धीरे धीरे ही करना है, धीरे धीरे करते रहिए, वो अपने आप बजेगा। तो फिर हम 2 राउंड करेंगे, अभी मैं बताती हूँ आपको। स्टार्ट करेंगे, इनहेल, रिलैक्स, अच्छे से सांस लेंगे, एक्सहेल, और 1 राउंड करेंगे। धीरे धीरे ही करना है, फास्ट नहीं करना है, एकदम धीमी गति पे करना है। स्टार्ट करेंगे, ब्रीथ इन, रिलैक्स, अभी शीतकारी करेंगे। जो एसिडिटी के लिए रामबाण है तो उसके लिए हमको क्या करना है, दोनों दांतों को जॉइंट करना है और मुंह को खोलना है ऐसे। फिर क्या करना है, जीभ को कहाँ रखना है, जीभ को दोनों दांतों के बीच में थोड़ा प्रेस करके रखना है। फिर मुंह से ही सांस को अंदर भरना है, खींचना है अंदर, और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर निकालना है। तो पहले मैं आपको करके बताऊंगी, ऐसे करेंगे, पहले देखिए। ऐसे आपको 5 बार या 10 बार करना है, मैं आपको 3 बार बताती हूँ। पहले दोनों जड़बों को ज्वाइन कीजिए, दांत को ज्वाइन कीजिए, जीभ को दांतों के बीच में थोड़ा प्रेस करके रखेंगे,
आंख बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकालेंगे। जब भी सांस को लेते हैं तो मुंह से सांस को इंटेक ऐसे खींचना है। तो अभी स्टार्ट करेंगे और दो बार मैं बताऊंगी। आईज क्लोज, और एक बार करेंगे। रिलैक्स। अभी चंद्र भेदन देखेंगे। हमारे शरीर में तीन मुख्य नाड़ियाँ हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। जो दो नाड़ी हैं हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल में, जो नाड़ी है उसको इडा बोलते हैं, राइट नोस्ट्रल है वो पिंगला नाड़ी है, लेफ्ट में जो है वो चंद्र नाली बोलते हैं और राइट में सूर्य नाड़ी। चंद्र नाली है वो हमको कूलनेस, ठंडक देती है, और जो सूर्य नाड़ी है वो गर्मी उत्पन्न करती है। तो एसिडिटी के लिए हमको ठंडे जो प्राणायाम हमें ठंडक देते हैं वो करने हैं, तो उसके लिए हम करेंगे चंद्र भेदन। उसके लिए क्या करना है, चंद्र नाड़ी यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से हमको इनहेल करना है, सूर्य नाड़ी यानी राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है, वापस हमको चंद्र नाड़ी से इनहेल करके सूर्य नाड़ी से एक्सहेल करना है। तो हम करेंगे ये, हमको 5 राउंड्स करने हैं। फिर आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक कर सकते हैं। उसके लिए वायु मुद्रा बनाए रखनी है, राइट नोस्ट्रल को बंद करना है यानी कि सूर्य नाड़ी को बंद करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल यानी कि चंद्र नाड़ी से इनहेल करना है। तो शुरू करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रल यानी कि सूर्य नाड़ी से सांस बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे। अभी राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट बंद करके राइट से एक्सहेल करेंगे। दो राउंड हुए और 3 राउंड करेंगे। राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट बंद, राइट से एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। एक आखिरी बार करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम देखेंगे, जिसको यूनिवर्सल प्राणायाम भी कहा जा सकता है। उसके कई सारे फायदे हैं जो गिनाए नहीं जा सकते, उतने फायदे हैं। लेकिन आज हम जो देखेंगे, जिसके लिए देखेंगे, तो वो मेन है एसिडिटी, गैस, पित्त, उसमें तो फायदेकारक है ही। फिर जिसको स्लीपिंग का प्रॉब्लम है, जिसको नींद नहीं आती है, हेडेक है, माइग्रेन है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो पहले हम
अनुलोम विलोम देखेंगे। अनुलोम विलोम कैसे करना है, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ की वायु मुद्रा ही रखनी है। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से ही इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये एक राउंड हुआ। ऐसे आपको 15 राउंड करने हैं या फिर 5 मिनट से लेके आप आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। तो फिर शुरू करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज, राइट नोस्ट्रिल बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से एक्सहेल, राइट से ही इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल, ये एक राउंड हुआ। जितनी आपकी कैपेसिटी है वैसे आपको सांस को धीरे 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 भरना है, पूरा सांस को भरना है, उसके बाद पूरा सांस को बाहर निकालना है एज पर योर कैपेसिटी। तो और 3 राउंड हम करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, कंटिन्यू करेंगे यहां से 2 राउंड और। Inhale, exhale, अनुलोम विलोम के बाद 5 मिनट आप धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करते रहे या फिर ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज, टेक अ डीप ब्रीद इन, breathe in, last time breathe in, Om.
दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे। रिलैक्स। आज अभी हमने जो प्राणायाम और क्रियाएं देखी वो आप फॉलो करेंगे सीक्वेंस में, और आपको रोज़ करना है। मतलब अगर आपको टाइम नहीं है तो वीक में 4 बार तो करना ही है, और अच्छे से आप करेंगे तो आपकी एसिडिटी की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसके लिए आपको प्रिकॉशन क्या लेना है, तो प्रिकॉशन में आपको खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है। किसी किसी को पिल्लो जो है वो समतल रहता है, वैसे लेके सोने की आदत होती है, अंदर चला जाता है, तो पिल्लो को आपको थोड़ा ऊपर ऊपर रखना है, या थोड़ा थिक पिल्लो लेना है और सोना है, जिससे आपको खाना जो है वो ऊपर नहीं आए और एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं हो। फिर दूसरा क्या है कि आपको पानी 3 से 4 लीटर पानी आपको इंटेक करना है पूरे दिन पे, 3 से 4 लीटर पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। फिर तला हुआ ऑयली खाना कम करना है, हो सके तो अवॉइड करना है, और तीखा रेड चिलीज़ तीखा कम करना है, ये प्रिकॉशन लेने हैं। फिर आप घर पे क्या कर सकते हैं उपचार, तो उसके लिए जो तुलसी के पत्ते होते हैं, सुबह खाली पेट आप तुलसी के पत्ते धो के 4 से 5 तुलसी के पत्ते चबा के खाए, या फिर लौंग जो होता है, लौंग एक लौंग ले और फिर वो मुंह में रखे, उसको चबाना नहीं है, खाली उसका रस ग्रहण करना है। फिर आप खाने के बाद 1 ग्लास छाछ ज़रूर लें, और नारियल पानी, नारियल पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन नारियल पानी इसमें भी बहुत फ़ायदे देता है, तो आप नारियल पानी भी रोज़ पी सकते हैं। तो ये सब आप फॉलो करके आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और आपको ये सब जो प्राणायाम है, क्रियाएं है, वो अगर आप सुबह उठ के सुबह के टाइम पे खाली पेट करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, नमस्ते। आज हम शांति धाम के घरेलू उपचार सेशन में देखेंगे कि आर्थराइटिस के लिए हम क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो पहला उपचार हम देखेंगे सौंठ का पाउडर, मेथी दाने का पाउडर और हल्दी का पाउडर। ये तीनों पाउडर आप इक्वल प्रपोर्शन में लेंगे और तीनों को मिक्स करके एक बॉटल में भर के रखेंगे। जब भी आपको लेना है तभी आप 1 ग्लास गर्म पानी लेंगे, वार्म वाटर, बहुत गर्म नहीं, 1 ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच ये पाउडर डाल के आपको हर रोज़ लेना है। दूसरा जो उपचार है वो है मेथी दाना। मेथी दाने को आपको स्प्राउट करना है, और भोजन के साथ, जब भी आप भोजन करते हैं दोपहर में, उसके साथ आपको थोड़े मेथी दाने स्प्राउट करके लेने हैं। तीसरा जो उपचार है वो है 2 टेबलस्पून हनी, मतलब मध जो होता है, 2 टेबलस्पून हनी को 1/2 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर, तज का जो पाउडर है, उसको मिक्स करके आपको रोज़ सुबह नाश्ते से पहले लेना है। ये करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट तक कुछ नहीं खाना पीना है, उसके बाद आपको नाश्ता करना है। तो रोज़ सुबह नाश्ते से पहले आपको हनी और सिनेमन पाउडर मिक्स करके लेना है। ये तीनों उपचार आप आर्थराइटिस के लिए कर सकते हैं।